नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज नवंबर की 28 तारीख है और दिन है मंगलवार। आज सरसों के बाजार में, जैसा कि मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि कल खाद्य तेलों के अंदर थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल सकता है और उसी का सहारा लेते हुए सरसों भी थोड़ी मजबूत हो सकती है, आज वैसे ही सरसों बाजार में कुछ बाजार तेज दिखाई दे रहा है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आपने इस चैनल को पहली बार आपने देखना शुरू किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर बटन दबाइए ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले मिले, और आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं इसके लिए आपका हृदय से आभार। आज सरसों बाजार 25 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक सुधरता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर खाद्य तेलों के बाजार में हल्का सा सुधार देखने को मिला है। पहला सुधार देखने को मिला है सोया तेल के अंदर, क्योंकि जो ब्राजील का जो मौसम है सोयाबीन की फसल के लिए वो फिर से गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके पूर्वानुमान से इस सोया कॉम्प्लेक्स के अंदर थोड़ी सी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। और इसी तरह से जो मलेशिया का जो पाम है वो उत्पादन घटने की तरफ और निर्यात बढ़ने की तरफ था, एक अनुमान ऐसा था विशेषज्ञों का, उस कारण से केएलसी सुबह थोड़ा मजबूत खुली थी लेकिन शाम के समय के अंदर फिर थोड़ी सी बाजार में गिरावट दिखाई दी है। लेकिन ये छोटी मोटी गटपट है, ये चलती रहती है। बाजार सोया और पाम के अंदर ज़्यादा मंदे की संभावना नहीं लग रही है, बाजार आगे ठीक चलेगा। और सरसों बाजार के अंदर जो जयपुर का भाव है वो 50 रुपये बढ़ करके 5,975 रुपये के लेवल पर फिर आ गया है। इसी तरह से जो आपका भरतपुर मंडी का भाव है वो 5,593 रुपये भाव खुला है, कल से 12 रुपये तेज है। कल वाला भाव 6 रुपये तेज खुला था। इस तरह से दो तीन दिन के अंदर 25-30 रुपये का सुधार भरतपुर में भी हुआ है, लेकिन जो दिल्ली और टोंक निवाई लाइन है इन पर बाजार अभी भी स्टेबल बना हुआ है। भाव मैं आपको आप बताता चलूंगा थोड़ी देर में। कल सलोनी ने 50 रुपए की वृद्धि की थी, आज 25 रुपए का भाव बढ़ाया है। कुछ प्लांटों ने भी और इसी तरह से 25-50 रुपए की वृद्धि की है। आने वाले दिनों के अंदर, इस पूरे सप्ताह के अंदर सरसों बाजार में कोई बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं है, कोई बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। बाजार इसी दायरे के अंदर 5,950 रुपए से लेकर 6,050 रुपए के दायरे के बीच में रहने की संभावना है, इससे ज्यादा बढ़त की अभी कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ साथी नरमा कपास के बारे में बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो नरमा कपास की जो स्थिति है वो जो फसल का जो कुल उत्पादन है उसको लेकर चिंताएं बढ़ रही है। उत्पादन काफी कम है पिछले साल की तुलना में, और उत्पादन घटने के कारण ही बाजार में थोड़ी सी मजबूती जो है वो पिछले काफी समय से बनी हुई है। हाजिर मंडियों के अंदर नरमे का जो भाव है वो 7,000 के लेवल पर है, किसी मंडी में 6,900 भाव है तो किसी में 7,100 भाव भी है। इस तरह से 7,000 को आप औसत भाव मान सकते हैं, लेकिन अब आवकें जो है अब आगे आगे घटनी चाहिए। आगे आगे आवक घटेगी तो भाव में सुधार होता जाएगा, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि नवंबर के एंड में जाकर के भाव सुधारना शुरू हो जाएगा और बाजार तेज होना शुरू होना चाहिए। तो अब नवंबर एंड आ गया है और अब धीरे धीरे बाजार में सुधार देखने को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। सिर्फ कमजोरी एक ही बात की है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रुई की जो डिमांड है वो अभी उतनी शानदार उतनी बढ़िया नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसीलिए जब कपास की आपूर्ति नहीं है तो बिनोला की आपूर्ति नहीं है, और बिनोला की आपूर्ति नहीं है तो खल की आपूर्ति नहीं है और तेल की आपूर्ति नहीं है। इन सब कारणों से बिनोला तेल, बिनोला और बिनोला खल के अंदर भी बाजार तेज रहने की संभावना है। फिलहाल जो खाद्य तेलों में जो दूसरे, जैसे आपका मूंगफली तेल है, उसके अंदर भी जो एक अनुमान था कि बाजार नीचे 1450 तक जा सकता है, लेकिन 1500 से बाजार नीचे नहीं गया है और बाजार आज फिर 25 रुपए बढ़त के साथ राजकोट का भाव 1575 रुपए हो गया है। कपास का जो तेल है यानी बिनोला तेल जिसे आप कहते हैं, उसका जो हरियाणा का जो भाव है आज वो 905 रुपए पर स्टेबल है, लेकिन अन्य राज्यों में, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे मध्य प्रदेश है, इन सब राज्यों के अंदर बाजार 5-10 रुपए वृद्धि की तरफ गया है। आइए सरसों की मंडियों के कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज सलोनी का जो भाव है कोटा का 6,375 रुपए, अलवर का भी भाव 6,375 रुपए, दिगनेर और शमशाबाद का भाव है 6,425 रुपए। आज भरतपुर का भाव 5,593 रुपए खुला, जयपुर 5,975, दिल्ली 5,550, चरखी दादरी 5,500, बरवाला 5,250, हिसार 5,300, मुरैना 5,350, ग्वालियर 5,400, बीकानेर
5150, नागौर 5225, अलवर 5600, नड़वाई 5591, हिंडौन 5711, बीपी आगरा प्लांट की बात कर रहा हूँ 6100, शारदा 6150, सुमेरपुर 5610, कोटा 5300, आदमपुर 5380, खेरली मंडी 5650, निवई 5850, टोंक मंडी 5830, मेड़ता 5300 और रेवाड़ी का आज का भाव है लगभग 5400। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।